गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, जैसे कि हमने हनीडू का फोर्थ चैप्टर और पोएम जो कि हमारे सिलेबस में आने वाले हैं, ठीक है, आज मैं आपको सिलेबस बता दूंगी जो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये जो चैप्टर हैं ये हैं इट्स सो हैपन का थर्ड चैप्टर द सेल्फिश जायंट, ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, जो है बेटा इसमें सेकेंड चैप्टर भी होगा, लेकिन सेकेंड चैप्टर मैं आपको बाद में करा दूंगी, पहले हम इसको थर्ड चैप्टर को देख लेते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ चैप्टर है और पोएम है उनके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप लर्न कर लेना। तो जो सेल्फिश जायंट है उसकी जो स्टोरी है आपकी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी, उनके क्वेश्चन आंसर हैं, आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक वन को, ताकि आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिवाइज कर सकें। व्हाई इज़ द जायंट कॉल्ड सेल्फिश, मतलब जो जायंट था उसको सेल्फिश क्यों कहा गया। द जायंट वॉज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही डिड नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। जायंट के पास गार्डन था, ये तो आपको पता ही है, आपने जैसे वीडियो देखी है बेटा, ठीक है, रीडिंग की, और आज नहीं देखी है तो वो बच्चे आज देख लेना। जो सेल्फिश है उसको जायंट इसलिए कहा गया क्योंकि वो बच्चों को खेलने के लिए नहीं आने देता था अपने गार्डन के अंदर। ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन, और उसने अपने गार्डन के चारों तरफ क्या कर दी थी, एक बड़ी दीवार बना दी थी। एंड ही ऑल्सो पुट अप नोटिस बोर्ड विद अ वार्निंग ऑन इट दैट नो वन इज अलाउड टू एंटर इट, और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया गया था और उस पर एक वार्निंग दी गई थी कि कोई भी यहाँ पर मेरी इजाज़त के बिना अंदर नहीं आएगा। ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सैड, एक ओकेजन पे तो चिल्ड्रन कहते हैं हाउ हैप्पी वी आर हेयर, कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। लेटर दिस है, लेकिन बाद में वो ये क्या कहते हैं कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ पर कितने खुश थे। वट वर दे रेफरिंग इन बोथ द केसेस, मतलब क्या रेफर कर रहे हैं इन बोथ केसेस के अंदर। द चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट द सेम गार्डन इन द बोथ द केसेस, मतलब जो चिल्ड्रन हैं वो दोनों केसेस में उस गार्डन के बारे में ही बात कर रहा है। द चिल्ड्रन वर एंजॉइंग एंड प्लेइंग मैनी गेम्स इन द गार्डन, कि बच्चे वहाँ पर खेला करते थे, बहुत मज़े किया करते थे उस गार्डन के अंदर। लेकिन उस सेकेंड केस के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि हम वहाँ खुश क्यों थे। दे टॉकिंग अबाउट हाउ हैप्पी दे वर बिफोर द जायंट स्टॉप देम फ्रॉम प्लेइंग इन हिज गार्डन, कि सेकेंड केस के अंदर ये बताया गया है। फर्स्ट केस में तो उन्होंने ये बता दिया कि हम यहाँ पर क्यों खुश हैं, क्योंकि वहाँ पर वो खेला करते थे, लेकिन सेकंड केस में उन्होंने ये बताया कि जायंट ने हमें वहाँ से आने के लिए मना कर दिया था, वहाँ खेलने के लिए मना कर दिया था। तो वो अपनी मेमोरीज़ को रिमेंबर करते हैं कि बेटा कि हम वहाँ पर कितने खुश थे जब वहाँ गार्डन में जाते थे। तो इन बोथ द केसेस द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू द जायंट्स गार्डन, ओके बेटा। थर्ड क्वेश्चन में आता है व्हेन स्प्रिंग केम, जब स्प्रिंग आया इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, कि वहाँ पर अभी तक ही विंटर था उस गार्डन के अंदर। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेटेड, मतलब जो विंटर है वो क्या स्टैंड और इंडिकेट करता है यहाँ पर। विंटर इंडिकेट्स दैट फ्लावर डिड नॉट ब्लूम इन द गार्डन, कि जो विंटर में क्या होते हैं बेटा वो फ्लावर जो है वो ब्लूम नहीं करते हैं। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग, बर्ड्स गाने नहीं गाती हैं। And there were no sign of joy and greenery, वहाँ पर कोई भी ऐसी निशानी नहीं है कि खुशी के मारे और जो ग्रीनरी है हरियाली छा सके। Winter has been presented like a story with its own character and their activities and describe the story in your own words, जो विंटर है बेटा वो क्या प्रेजेंट कर रहा है इस स्टोरी के अंदर। And with its own character, मतलब वो खुद का एक कैरेक्टर बन चुका है। And their activities, और उसकी जो गतिविधियाँ हैं। Describe the story in your own words, अपने शब्दों में हमें ये स्टोरी बतानी है। इन द गार्डन चिल्ड्रन यूज टू प्ले, चिल्ड्रन वहाँ खेला करते थे। एंड देयर वाज हैप्पीनेस एवरीवेयर, वहाँ पर चारों तरफ खुशी छाई हुई थी। बट दिस हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, कि लेकिन ये जो खुशी थी वो लंबे समय तक नहीं रह पाई। द गार्डन बिलोंग्स टू ए सेल्फिश जायंट, जो गार्डन था वो किसका था, सेल्फिश जायंट का था। ही शाउटेड एट चिल्ड्रन एंड बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि उन्होंने अपने उन बच्चों पर चिल्लाए और उन्होंने एक बड़ी सी दीवार उस गार्डन के चारों तरफ बनवा दी थी। विदाउट चिल्ड्रन, बिना कोई बच्चों के, द चिल्ड्रन बिकेम ग्लूमी, वो जो गार्डन था वो बेटा कैसा बन गया था, वहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो गया था कि ना ही कोई फूल ब्लूम कर पा रहा था, ना ही बर्ड्स जो थे वो गाना गा रहे थे। द चिल्ड्रन रियलाइज द फैक्ट एंड अलाउ द किड्स टू प्ले, नाउ द गार्डन बिकेम प्लेजेंट लाइक अर्लियर। तो जायंट को रियलाइज हुआ
कि मैंने उन बच्चों को बंद कर दिया है, इसी वजह से यहाँ की जो हरियाली है, जो जॉय है, वो बिल्कुल कैसा हो गया है, ग्लूम हो गया है। ठीक है, तो उसने क्या किया, बच्चों को वहाँ पर उस दीवार को तोड़ के उन बच्चों को अंदर आने दिया। उसके बाद से ही वो जो गार्डन था वो पहले की तरह ही हो गया। वॉज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन? क्या जायंट हैप्पी भी, खुश भी था या दुखी भी था उस गार्डन के प्रति? द गार्डन वॉज सैड, जो जायंट था वो बहुत ही परेशान था, दुखी था। ही वंडर्ड वाई द स्प्रिंग हैड फॉरगेटन टू विजिट हिज गार्डन, वो इस बात को लेकर बहुत ही हैरान था कि क्यों, कि स्प्रिंग हैड फॉरगॉटन, ये जो स्प्रिंग है वो क्यों नहीं आ रही है मेरे गार्डन के अंदर। वट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड, कि क्या इफेक्ट पड़ा जब लिनेट जो सॉन्ग्स गा रही थी, बेटा लिनेट होता है एक पक्षी, जो सॉन्ग्स गा रहे थे ओवर द हेल एंड द नॉर्थ विंड, जो उत्तरी, जो कि हवाएं चल रही थी वहाँ पर। एज एन इफेक्ट ऑफ द लिनेट सॉन्ग द हेल स्टॉप डांसिंग, हेल ने क्या कर दिया था, वहाँ पर डांस करना शुरू कर दिया था। ओवर हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो हवाएं थी वो क्या कर रही थी, वो दहाड़ रही थी। सो बेटा आज के लिए इतना ही, कॉम्प्रिहेंशन वन मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर रही हूँ और वीडियो, तो आप अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लें, जिनकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है एग्जाम से पहले। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।